अस्सलाम वालेकुम। चाइना में बैठकर मैं आजाद कश्मीर के ड्रोन शॉट्स क्यों यूज कर रहा हूँ और फाइन चाइन से मैं इस वीडियो को क्यों नहीं शुरू कर रहा, उसकी वजह आप खुद देख लें पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन चाइन। सो इट्स अ कोलैब वीडियो बिटवीन मी एंड अनदर कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम आजाद कश्मीर एंड ही इज अ ब्लॉगर, हिज नेम इज अंसर काजमी। फ्यू डेज अगो वी गॉट इन टच विद ईच अदर थ्रू फेसबुक और जब हमारी बात हुई तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि एज वी बोथ आर फ्रॉम कश्मीर तो हमें कोलैब वीडियो बनानी चाहिए। सो लेट्स बिगिन इट। आज की वीडियो हमारी कोलैब तो है ही है अंसर काजमी और इर्तजा सईद, जो कि आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। इनका कोलैब होने जा रहा है फर्स्ट टाइम, और इसके साथ साथ हम इर्तजा भाई से जो है बात करेंगे कोरोना वायरस पे। इर्तजा भाई हमें अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि वो चाइना में वुहान सिटी में रहते हैं, वो MBBS कर रहे हैं। तो इर्तजा भाई आप व्यूवर्स को बताएं, कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था वो वुहान सिटी से हुआ था, और अभी जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ शैनिंग, इससे 30 मिनट्स की ड्राइव पे वुहान सिटी, और वुहान के एक डॉक्टर थे डॉक्टर लीवन लियांग, उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में वार्न किया था और बाद में फिर उनकी भी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई थी फरवरी में। तो इर्तजा भाई आपसे ये पूछना था कि अभी जो करंट सिचुएशन है चाइना की वो क्या है, मेन टू से कि आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन है, स्कूल वगैरह बाहर मार्केट शॉप वगैरह ओपन है, कि मतलब आपको अगर अपने लिए कुछ लेना है खाने पीने के लिए ग्रोसरी या और कोई फूड आइटम तो आप इजीली जाके परचेज कर सकते हैं, इजीली बाहर जा सकते हैं, और उस सिटी के यहाँ जिस सिटी में आप हैं शाइनिंग में आप हैं वुहान शाइनिंग तकरीबन आधा घंटा, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो फ्लाइट्स वहाँ की ओपन हैं या नहीं है? नहीं, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ तो अभी बिल्कुल भी नहीं ओपन हुए। उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस कंटेजियस है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, तो इसके प्रिकॉशंस में है कि गैदरिंग्स अवॉइड करनी चाहिए। ऑल दो अभी चाइना में सिचुएशन काफ़ी बेहतर है पहले से, लेकिन अभी भी एक रिस्क है, तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने अभी यही डिसाइड किया है कि अभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं करने। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। और खाने पीने की जो बात है वो यही कि हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो हम अपने टीचर्स को लिस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और वो हमें हॉस्टल में ही ला के दे देते हैं। हमारे प्रोविंस में जो सबसे करीबी एयरपोर्ट हमें जो था वो वुहान सिटी का ही था, और हुबे प्रोविंस में जितने भी और एयरपोर्ट्स हैं वो सारे तो बंद हैं, मतलब फ़्लाइट्स नहीं आ जा रही, लेकिन हुबे के अलावा जो बाकी प्रोविंस हैं उनमें फ़्लाइट ऑपरेशंस नॉर्मल हैं। चले भाई ये तो क्लियरफाई हो गया, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर जैसे कि आप चाइना में, तो उनके थ्रू हमें चाइना की इंफॉर्मेशन इस कोरोना वायरस के बारे में पता चलेगा, तो पता चला भी है, बहुत सारे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पे वीडियोस बनाई थी। तो खैर ये तो हो गई बात कोरोना वायरस की, तो अब आप ये बताएं कि आपको यूट्यूब में कब इंटरेस्ट हुआ व्लॉगिंग में, आपने कब से जो है व्लॉगिंग स्टार्ट की, आपकी इंस्पायरेशन कौन है? हाँ जी, वीडियोस तो काफ़ी लोगों ने बनाई हैं इस पर, और अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के, तो आप लोग अपना ख्याल रखें और जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर फॉलो करें। और व्लॉग्स मैंने दिसंबर 2018 में बनाना शुरू किए थे, एंड माय इंस्पिरेशन वाज इरफान जुनेजो। और आप बताएं आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है व्लॉगिंग का? भाई मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल मैंने भी 2018 में बनाया था, 2018 3 सितंबर मैंने अपना यूट्यूब का ये चैनल क्रिएट किया था। इस पर मैं पहले अपने टेक्निकल वीडियोस अपलोड कर रहा था, फिर उसके बाद मैं इरफान जुनेजो को देखता रहा, उनको देखने के बाद मेरी इंस्पिरेशन भी फिर अब इरफान जुनेजो ही थे, तो फिर मैंने व्लॉगिंग में मेरा इंटरेस्ट पहले हो गया, मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो इर्तजा भाई आपका मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि आपकी वोकेशन होगी, कब आप कश्मीर में पाकिस्तान में वापस आएँगे तो मुजफ्फराबाद में हम अपनी व्लॉगिंग को फैला सकेंगे और मिलके कोलैब वगैरह कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे व्लॉग बना सकेंगे। वैसे मेरा प्लान तो है समर वेकेशंस में आने का, हमें समर वेकेशंस हो रही हैं जून के एंड पे, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन इन समर वेकेशंस में अगर मैं ना भी आया तो जब भी मैंने आना है तो इंशाल्लाह वी विल मीट एंड वी विल कोलैब बन सकें, बिकॉज मेरी ये विश है कि कश्मीर से कॉन्टेंट क्रिएटर्स आगे आने चाहिए। चलें ठीक है अंसर भाई, इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और यार अगर आप लोग भी अंसर भाई का चैनल देखना चाहते हैं तो आई विल पुट द लिंक ऑफ हिज चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट, और सब फाइन शाइन है।